विद अस टुडे इज समरी वेरी स्पेशल. जी हाँ, आपको इंतजार है बहुत दिनों से कि हमारे एक खास मेहमान आ जाए हमारे स्टूडियोज में, एंड फाइनली ही इज हियर. तो आई कैन से दैट यस, गेस्ट एट फाइव हैज बिगन. सो लेट्स नॉट वेट नो मोर. वैसे हमारे आज के मेहमान जो हैं इतने स्पेशल हैं कि इनको डेफिनेटली इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. ही इज एन एक्टर, ही इज अ सिंगर, ही इज अ मॉडल, एंड व्हेरेवर ही इज, जहां भी जाते हैं तो अच्छा जाते हैं. एंड ही इज बीन अराउंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम माशाल्लाह, लेकिन पहली मरतबा FM 98 आए हैं. सो लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली इमरान अब्बास. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सानिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह. इमरान, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर आए हैं, बिकॉज आई नो कि आप जो है ना कभी इधर कभी उधर होते हैं, लेकिन आप इस्लामाबाद में थे. सो हमने कहा कि भाई we have to somehow try to bring him in, so we are very grateful. Thank you so much. Acha Imran, I there's so much to talk about, lekin hamara jo yahan pe show hota hai na, it's like a nice cup of tea, our guest, me and our listeners and our viewers and everybody. To chai bhi aa jayegi, to sath sath chai bhi piyenge, gupshup bhi hogi, lekin I think sabse special baat hamare liye ye bhi hai ki aapne bahut abhyang the, I think you were 13 years old jab aapne radio se शो शुरू किया या आप रेडियो पे जाया करते थे. Wow, you were even younger, mashallah. So you were a child star actually. And I think आगाज वहीं से हुआ. बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो से बहुत पुराना ताल्लुक है. So बहुत खूबसूरत. So that's why you know we said कि भाई बहुत 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 important है कि हमें जरूर mention करें the beginning of the program, कि उसके बाद इतना कुछ किया. I mean I think 2002 में आपने you know कहना चाहिए formally you know you came into the world of modeling, और फिर उसके बाद 2003 में television शुरू किया with उमराव जान, है ना. एंड उसके बाद वहां से सिलसिला शुरू हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आप पहुंचे. लेकिन मजे की बात यह है इमरान कि इतने अरसे के बाद, मतलब मैं आपको काफी अरसे बाद देख रही हूँ, आई एम मीटिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन माशाल्लाह यू हैवंट चेंज्ड. Really? Yeah, you haven't changed much. No. Maybe you have otherwise, but mashallah, you know, आप बहुत हद तक अब मुझे वैसे ही नजर आए जैसे पहले थे. So kind of you to say, but I think मैं पता नहीं, अब अपेरेंटली शायद आपको ऐसा लगता हो, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल जाता है. आई थिंक एवरी पासिंग डे आप जो है वो बदल रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है. दैट्स ट्रू. अच्छा, वैसे आजकल बहुत कुछ हो रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स हमारे व्यूअर्स सारे जानते हैं आपके 4 सीरियल्स माशाल्लाह ऑन एयर हैं एट द सेम टाइम. इतनी वर्सिटिलिटी, इट इज रिमार्केबल कि एक तरफ बिल्कुल मतलब एक रोमांटिक हीरो का इमेज, एंड देन यू हैव दिस नेगेटिव कैरेक्टर एज वेल, है ना. एग्जैक्टली. सो द बैड बॉस, वेल ही इज देयर एज वेल. और मतलब कि वो पूरा, लेकिन उसके पीछे जो इशू है, दैट इज यू नो ग्रेट अगेन हरासमेंट के बारे में, आई थिंक इट सॉर्ट ऑफ टचेस दैट फैक्टर कि पीपल थिंक अबाउट इट. एग्जैक्टली. और करने का रीजन भी यही था कि सब मुझे कह रहे थे कि ना करो, इसलिए कि इट्स नॉट गुड फॉर योर जो एक हीरो इमेज है उसके लिए आप ना करें इस पॉइंट पे. लेकिन मुझे लगा कि एक तो उस कैरेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा करने का कुछ मार्जिन था, करके दिखाने का मार्जिन था, प्लस इशू जिसको कैटर कर रहे थे वो बहुत बहुत बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लड़कियों को इल्जाम देते हैं किसी भी चीज के लिए और फॉरन स्टिग्मेटाइज कर लेते हैं या बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, लेकिन वो किस तकलीफ से गुजर रही होती हैं सारे प्रोसेस में जो बाहर घर से निकलती हैं, वो बहुत कम लोगों को पता होता है. तो वो बहुत ज्यादा इशू डिस्कस और एड्रेस करने की जरूरत है. हाँ, और ये इससे पीपल आर लुकिंग इट, दे आर वॉचिंग इट. बहुत सी ऐसी लड़कियां जो उससे रिलेट कर सकती हैं, दे मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट कि हम क्यों खामोश बैठे हैं, हमें भी आगे आके कुछ करना चाहिए, कुछ कहना चाहिए. सो वेल डन ऑन योर डिसीजन एक्चुअली. और मतलब होता है ना कि नेगेटिव रोल करें तो फिर यू I mean, you love to be hated. वो वाली बात हो गई. अक्सर मुझे अभी एयरपोर्ट में जाता हूँ या कि बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे एक आई खातून पाके, मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ, मैं आपसे नफरत करती हूँ. मैंने कहा जी बहुत डर खुदा से. मैंने कहा जी यही मेरी सक्सेस है, डर खुदा से देखने के बाद मुझे आपसे नफरत हो रही है उस कैरेक्टर से. पर एट द सेम टाइम जब मैं आपको थोड़ा सा देखती हूँ तो मुझे आपसे दोबारा प्यार हो जाता है. फिर एक और चल रहा है जो तू चाहे, उसमें वो एक बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अल्लाह की बात करने वाला, दीन की बात करने वाला और समझदार एक इंसान है. उसकी एक और तरह की डायमेंशन है उसकी पर्सनालिटी की. सो आई मीन एब्सोल्युटली वही बात आ गई कि एब्सोल्युटली डिफरेंट कैरेक्टर्स. व्हाट आर यू एंजॉयिंग द मोस्ट? What am I enjoying the most? Being at home now. Okay. Yeah. Great. You're at home after, because itni sari shooting ke baad ek spell. I'm giving this small time to my family now. Yeah. You've gone through a tough time as well. Yeah, exactly. So usse mujhe lagta hai ki ab mujhe mere meri walida ko meri zyada zarurat hai as well. So I'm just
टर्निंग डाउन ऑल द ऑफर्स, अब जितनी भी मुझे हो रही है मैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा ब्रेक देना चाहता हूँ, और ये सही बहुत बहुत ज़्यादा मुझे भी है मेरी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं वापस घर में आऊँ। बिल्कुल और अब एक वक्त के बाद से सोचते हैं कि ठीक है, नाम भी कमा लिया, काम में आपने जगह बना बना ली, ली पैसा भी कर लिया, सब कुछ, लेकिन एक वक्त होता है जब आपके जो प्रायोरिटी है आपको डिसाइड करने का और सेट करने का वक्त आता है। तो आई थिंक ये सही मेरे पास वो वक्त था कि मुझे मुझे फैसला करना था कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, और माँ से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती। दैट्स सो ट्रू. और अल्लाह करे कि आपकी अम्मी बिल्कुल सेहतयाब रहें, खैरियत से रहें, खुश आमीन रहें, हंसती इंशाल्लाह। मुस्कुराती रहें इंशाल्लाह. एंड यू आर सच अ गुड सन माशाल्लाह टू बी ना देयर फॉर हर एट दिस मुझे टाइम, है लगता है ना. कोई कितना भी अच्छा बेटा हो लेकिन वो फिर भी हक नहीं अदा कर पाता माँ बाप दैट्स ट्रू. का, हम ये कर बात ही नहीं सही है, ये सकते बात चाहे सही कितनी भी है, एक्सट्रीम पे चले जाएं। सही कह रहे हैं इमरान. अच्छा इमरान, बहुत सारी चीज़ें मुझे बताएं कि इस वक्त जो मतलब व्हेन यू सी कमिंग बैक टू योर प्लेज एंड ऑल ऑफ दैट, कि चार सीरियल्स जब एक साथ चलते हैं, हाउ डू यू फील सीइंग योर ओवर सेल्फ, या यू डू फील दैट वे? ओके, एक्सपोज्ड क्योंकि आप बीच में गैप ले लेते हैं, विच आई मीन यू नो यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो, कभी इधर शूटिंग कभी उधर शूटिंग, इधर उधर घूम रहे होते हैं. नहीं, बट उसके बाद अब जो ये ब्रेक आया इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि बाय द एंड ऑफ एंड ऑफ दिस ईयर पीपल वॉन्ट बी एबल टू वॉच मी ऑन अ स्क्रीन, बिकॉज ओके अब जो चीज़ अभी बन रही होती है वो फिर वो बनती है, फिर वो एडिट होती है, फिर वो ऑन एयर होता है, सही तो आपको तो ये प्रोसेस पता ही होगा। बिल्कुल तो वो अभी जो गैप आ रहा है मुझे लगता है कि 1 साल मैं अभी स्क्रीन से गायब ही रहूंगा, ठीक है. तो अच्छी बात है कि लोगों को थोड़ा सा मेरा इंतजार भी हो, प्लस कुछ बड़ी स्क्रीन की चीजें आ रही हैं उसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, वेरी नाइस. तो उसके लिए ऐसा कुछ है। एंड यू हैव सम एक्साइटिंग सरप्राइजेस फॉर द पीपल एज वेल, है या ना, या फॉर बट आई विल ब्रेक एवरीबडी. इट इन अ कपल ऑफ वीक्स ओके प्रोबली, तो ग्रेट, थोड़ा सा उसका द इंतजार करना फैंस हैव टू पड़ेगा। वेट फॉर दैट. क्या है सरप्राइज, है ना. वेल यू स्टे ट्यून टू एवरीथिंग, मतलब ऑल द चैनल्स एंड यू नो स्पेशली FM 98, ऑफकोर्स रेडियो तो डेफिनेटली आपको सानिया सुनते आपको रहना, हम बताएंगे आपको. बताऊंगा। अच्छा इमरान, मुझे ये बताएं कि जब घर में बैठे होते हैं, ठीक है, और काम नहीं, क्योंकि इतना काम जब कर रहे हो तो कम होता होगा ऐसा कि यू कैन जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स, राइट, नॉर्मली, व्हाट डू यू डू? आई पेंट ऑफ एंड कोर्स. सी एंड ए यू राइट? आई राइट आई रीड अ वाह. लॉट। आपको तो पता होगा कि बहन सायमा सलाहुद्दीन मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, हम गाते भी थे NCA में, तो मैं एनसीएम गाता में भी थे. हूँ, हम NCIIT हैं दोनों, तो वो वक्त। और फिर उसके बाद ये कि मुझे आर्काइव्स में से पुराने गाने ढूंढने, और थैंक्स टू यूट्यूब एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आई लव डिगिंग ऑल गोइंग थ्रू दोज ऑल द पुराने गाने एंड हाँ पुराने PTV के शोज, लवली. एंड बड़ा कुछ नॉस्टैल्जिया मेरे जो है ना अंदर वो भरा हुआ है, सही, तो वो मुझे बड़ा मजा आता है मजा पुरानी आता है चीजों को, पुराने लोगों को पुरानी ढूंढने चीज. में। और ठीक है, सो थोड़ा सा जो ना ब्लैक एंड व्हाइट एरा में ले चलते हैं फिर प्लीज आपको, प्लीज है ना. प्लीज सिटी गाना सुनाइए कोई और सोचा हुआ था लेकिन मैंने अभी सोचा, यू सुनाइए। नो, लेट्स प्ले समथिंग फॉर इमरान. सो इमरान, दिस सॉन्ग्स फॉर यू. लेके चलते हैं अपने लिसनर्स को ब्लैक एंड व्हाइट एरा में. लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग. कौन सा गाना है नहीं बता रही, सुनिए, एंजॉय कीजिए और साथ साथ रहिए इमरान अब्बास हमारे साथ FM 98 गेस्ट एट 5. जी मैं लाइव हूँ उस वक्त FM 98 पे, और ये आप काफ़ी दिनों से देर से आवाज़ दिनों से नहीं देर से आवाज़ सुन रहे होंगे, ये हैं वो सॉरी हमारी होस्ट सानिया सलाउद्दीन, या एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वाचिंग वाचिंग यू लाइव नाउ, प्रोड्यूसर रियाज अहमद, एंड आई एम हियर एट FM 98 आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम कमिंग लाइव एट इंस्टाग्राम एज वेल। ये आप देखिए, दिस इज द स्टूडियो, वेरी ब्यूटीफुल स्टूडियो, वन ऑफ द स्लिंग very rare studios which I have found so beautiful. normally radio के जो studios होते हैं बड़े उजाड़ और बड़े वीरान होते हैं, लेकिन ये बड़ा मजेदार सी कोई जगह है। And this is FM 98 दोस्ती channel, and it's a collaboration between Pakistan Radio and Radio China. So perhaps मैं सब China में भी सुना जा रहा हूँ, पता नहीं उर्दू सुनने आ रही है कि नहीं। You can see this this in reverse. New Horizons, lots of fun, FM 98, और बड़ी शानदार, राइट। थोड़ी सी ब्रेक है, उसके बाद हम दोबारा आएंगे, ठीक है? तो आपके साथ मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आता हूँ।